तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जिन स्टूडेंट का एग्जाम ट्रिपल सी का दिसंबर मंथ में है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं और नए सिलेबस पर आधारित है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे कम स्टूडेंट क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप क्लास अटेंड करिए, जिससे आप लोगों को हेल्प मिल सके। क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं ट्रिपल सी के एग्ज़ाम वाले, लेकिन वो क्या होता है ना कि जब इस एग्ज़ाम को एक दो दिन रह जाते हैं तब से वो अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो पहले से आप स्टार्ट करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज़ जब एक दो दिन पहले देखते हैं तो समझ में कुछ आता नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ज्वाइन करिए क्लास और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिए, जिससे उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि हाँ क्लासेस स्टार्ट हैं और हम कुछ पढ़ सकें। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों, ये आपकी अपनी वेबसाइट है, जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है, मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आपको टॉप लेवल के क्वेश्चन और आंसर देखने को मिलेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये आपके अपने भाई का फेसबुक पेज है, इस पर भी हमसे ज्वाइन हो जाइए, मैं आप लोगों की पूरी तरह से हेल्प करता रहूँगा। चलिए आज के जो टेस्ट में पहला क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको जितना भी हो सके इसे रट लीजिए, अगर अदरवाइज आप नोट डाउन करना चाहते तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है स्टोरेज, बी नंबर है सॉफ्टवेयर, सी नंबर है इनपुट, डी नंबर है आउटपुट। तो जो प्रिंटर होता है आपका एक प्रकार का क्या होता है, यदि आपको इसका करेक्ट आंसर मालूम है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, गेस करिए, जिससे आपको आइडिया लगे। तो मैं आपको फाइनली बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आउटपुट। प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट है जो कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है, यानी कि जब हम कंप्यूटर पर कुछ लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद प्रिंटर के द्वारा हम कुछ निकालते हैं, तो यानी आपके पेज पर निकलता है ना, तो हमारा हार्ड कॉपी हो गया। इसलिए इसको कंप्यूटर एक प्रकार का और प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MIME का फुल नेम क्या होता है। ये क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है प्रत्येक एग्जाम में, क्योंकि मैं हमेशा देखा हूँ इस एग्जाम को, क्वेश्चन जो स्टूडेंट भेजते हैं मेरे पास कुछ, जब एग्जाम हो जाता है तो ये क्वेश्चन आ ही जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले कई महीनों से लगातार रिपीट हो रहा है। तो ए नंबर है मल्टीपल पर्पज इंटरनेट मेल एक्सपेंस, बी नंबर है मल्टीपल इंटरनेट मेलिंग स्टार, सी नंबर है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, डी नंबर है नन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। आपको इसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सिमिलर आपको और भी इसके ये देखो देखने को मिल रहे हैं दोनों, तो आप समझ लीजिए मल्टीपर्पज, ठीक है, इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक के किस खाते में नॉमिनी जोड़ सकते हैं। तो नंबर एक है बचत जमा खाता, बी नंबर है मियादी जमा खाता, सी नंबर है आवर्ती जमा खाता, डी नंबर इनमें से सभी। तो नॉमिनी को तो हमें सभी में रिक्वायरमेंट होती है ना, नॉमिनी के लिए आप चाहे जो भी ओपन कराएं अकाउंट, उसमें आप लोगों को नॉमिनी की रिक्वायरमेंट तो होती है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है GUI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो नंबर एक है ग्राफिक यूजिंग इंटरनेट, बी नंबर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सी नंबर है ग्राफिकल यूजर इंटरचेंज, डी नंबर नन। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, क्योंकि मैं आप लोगों को वही सारे क्वेश्चन बताता हूँ जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो, पूछे जा सकने योग्य हों, वही सब बताता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा क्या। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कई बार बताया, अगर आपको मालूम तो कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सेकेंडरी मेमोरी है। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इनमें से जो आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, आई होप आप लोगों ने जो कंप्यूटर कोर्सेज किया होगा उन लोगों को मालूम होगा, ठीक है। तो जो सेकेंडरी मेमोरी है यानी कि उसे हम बोलते हैं हार्ड डिस्क, जिसमें स्टोरेज की कैपेसिटी होती है, और आपकी जो रैम रोम होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है, और जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी वो हार्ड डिस्क हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विंडो के सबसे नीचे कौन सी पट्टी होती है। तो नंबर एक है मेनू बार, बी नंबर टास्क बार, सी नंबर टाइटल बार, डी नंबर स्टेटस बार।
ठीक है। तो अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, टास्क बार। अब बहुत सारे आप में से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि स्टेटस बार क्यों नहीं हो, टाइटल बार क्यों नहीं हो, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो मेनू बार होता है पहले, तो आपके जब बिन वर्ड या आप एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस का कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो उसमें मेनू बार आपको देखने को मिलता है, जैसे कि फाइल, एडिट, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रिव्यू, एक्सेट्रा, ठीक है। जो टाइटल बार होता है सबसे ऊपर होता है, जहाँ पर फाइल का नेम लिखा होता है, ठीक है। और जो आपका स्टेटस बार होता है, जब स्टेटस बार किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे लाइक एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, तो उसकी जो सबसे नीचे पट्टी होती है उसको बोलते हैं हम स्टेटस बार। लेकिन जब बात आती है विंडो की, तो विंडो के सबसे जो नीचे पट्टी होती है उसे हम टास्क बार के नाम से जानते हैं, इसलिए राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल सबसे पहले किसने सेंड किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉमन सा क्वेश्चन है, जनरली क्वेश्चन है, आई होप आपको इसको मालूम ही होगा, नहीं मालूम है तो आपको जानना जरूरी है क्वेश्चन का आंसर। तो नंबर एक है रे टॉमलिंसन, बी नंबर मुकेश, सी नंबर है ब्रिट सर, डी नंबर नन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। रे टॉमलिंसन ने फर्स्ट टाइम ईमेल को सेंड किया था, कई बार पूछा जा चुका है रे टॉमलिंसन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईफाई पासवर्ड की मैक्सिमम लेंथ क्या है। तो नंबर एक है 63, बी नंबर 50, सी नंबर 10, डी नंबर 15। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका वाईफाई कनेक्ट करते हैं उसी की बात हो रही है, उसकी जो मैक्सिमम लेंथ होती है पासवर्ड की कितनी होती है, कितने तक आप उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 63, 63 तक के डिजिट, जैसे कि आप जो भी न्यूमेरिक और अल्फाबेट जो भी लगाना चाहते हैं, तो 63 यानी कि 63 आप मैक्सिमम लेंथ होती है, ठीक है, वाईफाई की जो पासवर्ड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवीडी का पूर्ण रूप या पूरा नाम क्या होता है। तो नंबर एक है डिजिटल वैरी डिस्क, बी नंबर है डिजिटल वीडियो डेस्कटॉप, सी नंबर है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डी नंबर डन। आई होप इसका आपको आंसर मालूम होगा, डीवीडी सीडी, ये कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे, 100% श्योर है। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क डीवीडी का पूरा नेम होता है। यही होता कि सीडी का पूरा क्या नेम होता है, सीडी का, तो मैं आप लोगों को सीडी के बता देता हूँ। सीडी, अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर सीडी, वो सीडी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो सीडी का पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, कई बार मैंने आप लोगों को बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में इंस्टाग्राम पर क्या शेयर कर सकते हैं। आई होप जो कि आज के समय में जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है इंस्टाग्राम, इस समय चल रहा है टॉप लेवल पे, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे आप क्या क्या शेयर कर सकते हैं, यानी कि क्या क्या अपलोड कर सकते हैं। नंबर एक है वीडियो, नंबर बी है इमेज, सी नंबर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोनों, क्योंकि वीडियो भी आप शेयर कर सकते हैं, इमेज भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ड 8 बिट का होता है। तो बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है, आपको समझ लेना है जरा इसको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू। जो आपका एक वर्ड होता है, जैसे कि आप लिखते हैं W, चाहे वो लिखे P, तो वो कितने बिट का होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, तो वो होता है 8 बिट का। प्रत्येक जो भी आपका अल्फाबेट या फिर न्यूमेरिक या भी आपका जो सिंबल कीज है ना, तो वो जो हम एक प्रेस करते थे, यानी कि 8 बिट हमने प्रेस कर दिया कंप्यूटर के लैंग्वेज में, ठीक है। तो एक वर्ड हमारा 8 बिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वैन एक इंटरनेट नेटवर्क है। जी बिल्कुल राइट आंसर इसका सही है, ठीक है, वैन तो एक नेटवर्क है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। भाई पॉइंट जो माउस होता है उसको हम इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि पॉइंटिंग डिवाइस के भी नाम से जानते हैं, तो जी बिल्कुल राइट आंसर है। कई बार मैंने आप लोगों को बताया भी है पिछले वीडियो में कि माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस तो है ही, साथ में वो पॉइंटिंग डिवाइस भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लाइन एक प्राइवेट नेटवर्क है जो कुछ किलोमीटर की दूरी में फैला होता है। तो जी लाइन जो होता है, लाइन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लोकल एरिया में, ठीक है। इसके फुल फॉर्म में ही इसका आंसर छिपा हुआ है, लोकल LAN, ठीक है, एल से लाइन, सॉरी LAN, एल का मतलब हो गया लोकल, ए का मतलब हो गया एरिया, एन का मतलब हो गया नेटवर्क, यानी लोकल एरिया नेटवर्क में वर्क करता है। तो एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि कुछ किलोमीटर में फैला ही होता है। तो राइट आंसर सी हो, यानी कि बी नंबर हो जाएगा, ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में लाइन चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो भाई एक्सेल में कई प्रकार के चार्ट होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, है ना, एंड मैनी मैनी टाइप्स ऑफ चार्ट आपको देखने को मिलेंगे जब आप ओपन करेंगे, सैटेलाइट चार्ट बहुत सारे मिलेंगे। तो लाइन चार्ट भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है इसमें, तो आप ट्रू है क्वेश्चन, एक्सेल में आप लाइन चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा
आप कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। अगर आप इसी तरह के और क्वेश्चन भी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन ऐड करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों तक बोलिए कि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सके, जिससे मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कर पाऊँ, जिससे आपको पूरी तरह से एग्जाम में हेल्प मिल जाए। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं SSSC से रिलेटेड तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई पूरी तरह से देता हूँ। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।